हेलो क्लास फिफ्थ, आज हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपकी कम्युनिकेशन की किताब है, एसशेड। ओपन चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 9। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ दिया है, 2 भी पढ़ दिया है और 1 भी पढ़ दिया हुआ है। तो ये 3 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि सारी चैप्टर्स को आपने याद कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। आर कंट्री यानी हमारा देश। कंट्री मीन्स देश, हमारा देश। अबाउट इंडिया, ये हमारा देश जो है वो इंडिया है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत होगी। यहाँ पे टीचर टेल्स सिमरन अबाउट आर कंट्री इंडिया। यहाँ पे टीचर जो है सिमरन को हमारे देश के बारे में यानी भारत के बारे में, इंडिया के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए टीचर क्या बता रहे हैं। सिमरन, डू यू नो द नेम ऑफ आर कंट्री? सिमरन, क्या तुम हमारे देश का नाम जानती हो? सिमरन, यस टीचर, इंडिया इज़ द नेम ऑफ आर कंट्री। हम टीचर, इंडिया इज़ द नेम ऑफ आर कंट्री, हमारे देश का नाम इंडिया है। टीचर, व्हाट एल्स डू वी कॉल इट? इसके अलावा हम इसे किस नाम से पुकारते हैं? सिमरन, भारत एंड हिंदुस्तान, यानी इंडिया को भारत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। सिमरन बताती, भारत और हिंदुस्तान। टीचर, डू यू नो हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन आर कंट्री? क्या तुम जानते हो कि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? सिमरन, नॉट एग्जैक्टली, ठीक नहीं पता है सर। हाँ, सिमरन आंसर करेंगे। टीचर, देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो टीचर आंसर कर रहा है कि हमारे देश में 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, यानी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में। सिमरन, व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज? अब यहाँ पे सिमरन पूछ रही है कि यूनियन टेरिटरीज क्या होता है। टीचर आंसर कर रहा है, दे आर स्टेट्स गवर्नड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी वो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट हैं गवर्न किए जाते हैं, उनको जो है यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। डू यू नो अबाउट आवर ऑफिशियल लैंग्वेज? अब यहाँ पे बता रहे, क्या टीचर पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कि हमारी ऑफिशियल भाषा यानी सरकारी भाषा क्या है? सिमरन कर, यस इट इज़ हिंदी। हाँ, ये हिंदी है। टीचर, नाउ टेल मी अबाउट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एम्बलम। अब तुम बताओ कि जो है हमारा नेशनल ये राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय एम्बलम क्या है? सिमरन, द नेशनल फ्लैग इज तिरंगा, द अशोक चक्र इज द नेशनल एम्बलम। एंड राष्ट्रीय जो है अशोक चक्र है और राष्ट्रीय झंडा हमारा तिरंगा है। ये सिमरन ने आंसर किया। टीचर, व्हाट इज आवर नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर? हमारा नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी और नेशनल फ्लावर और राष्ट्रीय फूल यानी राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय पक्षी कौन से हैं? द नेशनल फ्लावर इज लोटस एंड नेशनल बर्ड इज पीकॉक, यानी राष्ट्रीय पक्षी जो है पीकॉक है और राष्ट्रीय फूल जो है लोटस है। व्हाट अबाउट आवर नेशनल एनिमल? हमारे राष्ट्रीय जानवर के बारे में, पशु के बारे में क्या जानती हो? इट इज टाइगर। टाइगर इज नेशनल एनिमल। वेरी गुड। ये सारे आंसर को सुनने के बाद टीचर क्या कह रहा है, वेरी गुड। तो ये टीचर जो है सिमरन से इंडिया यानी सिमरन के कंट्री के बारे में तमाम चीज़ें पूछ रहा है। तो बच्चों, ये जो है चैप्टर आपको मेमोराइज कर लेना है और पूरा इसको प्रैक्टिस करना है। इससे इंफॉर्मेशन भी आपके इंडिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और आप जो है अगर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप आंसर भी दे पाएंगे कि कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम क्या है, कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। तो ये इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, इसको आपको मेमोराइज भी कर लेना है और प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।